मुंबई में पली बड़ी हूँ तो मेरी हिंदी वैसी यूपी वालों जैसी। सर ने जिस तरह से मजाक उड़ाया, सर तो मतलब बहुत ज्यादा मस्ती करते हमारे साथ। ऐसा लगता है कि मैं तो उन बकरा होता है ना, फेवरेट बकरा हूँ। सिंसियरली हार्डवर्क करते हो, आपके एफर्ट्स अच्छे जा रहे हैं, नजर वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जो प्यार मिल रहा है, रखने की जगह है घर में? मैं चाहती हूँ और बड़ा घर हो जाए मेरा, और ज्यादा प्यार आप लोग दे हमें, हमारे शो को। हाई, दिस इज काजल पिसाल एंड यू आर वॉचिंग ऑन बाज़ूका टीवी। हेलो एंड वेलकम टू बाज़ूका टीवी। मैं हूँ शिवम और आज हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी काजल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और बहुत मज़े आ रहे हैं हमें शूट करने में। अनी और अर्शी की संगीत की सेरेमनी हम शूट कर रहे हैं, सो वी हैविंग फन। हमने देखा कि बच्ची कुछ आकर बताती है और सब लोग हंसने लगते हैं, बहुत क्यूटली वो बताती है, और किसी ने तो कहा कि भाई मेरी बेटी है तो इसी तरीके से करेगी। यू नो व्हाट, लाइक मेरे जो डायरेक्टर है, पता नहीं इन्हें मुझ में कभी अनन्या दिखती है। ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि सर हमेशा मुझे अनन्या करके बुलाते हैं, तो सर को पता नहीं मेरी एक एक्सेंट लगती है, मेरी बातें करने के स्टाइल में। ही थिंक्स है मुझ में थोड़ी एक्सेंट है, मुंबई में पली बड़ी हूँ तो मेरी हिंदी वैसी यूपी वालों जैसी लाइक शुद्ध हिंदी नहीं है, तो थोड़ी। तो बेटी ने भी जैसे बोला आप, तो सर ने जिस तरह से मजाक उड़ाया, तो मैंने सर मेरा मजाक उड़ाते तो मेरी बेटी जो बनी है वो भी वैसी ही होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये हंसी मजाक बहुत चलता रहता है एंड सर तो मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं हमारे साथ। सर बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, अजूनी पहले वो करते थे, इसके पहले एक शो, तभी से बहुत अच्छे, बहुत स्वीट हैं, बहुत मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं तो उनकी एक वो बकरा होता है ना, फेवरेट बकरा हूँ मैं। हाँ, हर वक्त, लास्ट टाइम भी जब हम शादी वाला जनक की शादी शूट कर रहे थे, तब जो बंगालीज जो उल्लू देते हैं उसके ऊपर भी सर ने मुझे इतना कॉन्शियस किया, काजल जी सबसे गंदा उल्लू देती है, हाय भगवान, मैंने बोला सर प्लीज मुझे मत करो, बख्श दो, बट इट इज़ ऑल इन फन एंड मज़ा आता है। ये क्या होता है ना, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सो मेनी आवर्स और ऐसा हल्का फुल्का माहौल रहता है, देन यू एंजॉय। 12 घंटे हमें लगता नहीं कि हम 12 घंटे शूट करते हैं, इट्स फन। लेकिन आपके लुक के बारे में मैं पहले ये पूछने वाला था, बट आप इतनी प्यारी लग रही हैं और क्वेश्चंस में मैं उलझ गया। ये लुक के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या एग्जैक्टली वेयर किया और कितना कंफर्टेबल आप फील कर रही हैं इसमें? आज तो मैं तो बोल रही थी, आज जैसे मेरा कॉस्ट्यूम आया तो मैं बहुत खुश हो गई। पहले मुझे बोला आप लहंगा पहन रहे हो, फिर बोला कि आप अनारकली पहन रहे हो, पर मुझे समझ आया कि अच्छा अनारकली वाला कुर्ती है एंड देन इट्स अ स्कर्ट, वो लहंगा है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड फॉर वंस मैं हर जगह यू नो साड़ीज को बहुत प्लीट्स करनी पड़ती है, पिनअप करती हूँ, आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ माई साड़ी, मेरे को एक कॉन्शियसनेस हो जाता है कि नहीं कहीं खींच जाए, एक तो मेरा लंबा पल्लू रहता है, कभी कोई पैर रख देता है पल्लू पे, तो वो बहुत। एंड आज मैं बड़ी फ्री हूँ, मुझे बड़ा लग रहा है, बहुत मस्त है ये एंड फॉर अ चेंज मेरे बाल भी कर्ल किए हैं, तो आई एम एंजॉइंग दिस। आज घर से दूर शूट कर रहे हैं इसलिए है ना। हम घर से बाहर है एंड बहुत प्यारा लग रहा है हमारा सेट, तो टचवुड जब भी हमारे शो में कोई फंक्शन होता है, जब भी हम शादी एंगेजमेंट कुछ भी शूट करते हैं, तो डेकोर इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हमारी जो भी लाइट्स मतलब जो भी दिखता है स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत दिखता है। इफ यू टॉक अबाउट द शो टचवुड, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, एक प्रोड्यूसर हैं राजन शाही सर, वो बोलते हैं कि टचवुड बोल देने का, फटाफट तू 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 बोल देने का है ना, नज़र लग जाती है। एग्जैक्टली, मैं भी ये बहुत मानती हूँ, मतलब ऑब्वियसली नज़र तो है, बहुत रियल है, बट मुझे लगता है अगर आप सिंसियरली हार्डवर्क करते हो किसी चीज़ के लिए, आपके एफर्ट्स अच्छे जा रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिविटी रखते हो, तो नज़र वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बट हाँ तू 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 तू। लेकिन इतना जो प्यार मिल रहा है, रखने की जगह है घर में? जी नहीं, मुझे, मैं चाहती हूँ और बड़ा घर हो जाए मेरा, और ज़्यादा प्यार आप लोग दें हमें, हमारे शो को और ज़्यादा प्यार दे, बिकॉज हम सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई एम श्योर आप जब भी आते हो आप देखते हो लाइक ऑल ऑफ अस आर ऑलवेज देयर एंड एक अलग ही माहौल रहता है सेट पे। ओके, तो सबसे कैसी बॉन्डिंग है, क्योंकि हमने मैंने जहाँ तक देखा है जब भी मैं आया हूँ सबसे हंसी मजाक ही चलते रहता है। इनफैक्ट डायरेक्टर साहब से भी, जनरली डायरेक्टर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई काम करो जी, है ना, काम के टाइम पे कोई रील नहीं बनाएगा सबसे पहले तो यही होता है। मेरे पीछे पड़े रहे, काजल जी कैमरा बंद करो काजल, मैंने सर मैंने अभी लिया। एक तो मुश्किल से सेट पर भी कभी कभार हमारे नेटवर्क आता है, तो एंड आई थिंक हमारे सेट पर डे वन से, आज हम जैसे प्रीवियसली भी किसी को बाइट दे रहे थे तभी भी हमने यही कहा मैंने और छुटौन ने कि डे
1 से हमारे सेट पे यू नो एक फोर्स्ड फ्रेंडशिप नहीं है किसी भी एक्टर के बीच में, या फिर हमें फोर्सफुली ऐसे प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है दैट ओके आई एम नाइस, ओके आई एम हाय, हेलो, वैसे टचवुड। एंड हम सब लंच मेरे कमरे में करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, हम सब साथ में बैठ कर खाते हैं, एक रिचुअल सी बन गई है कि सब लोग ने साथ में बैठ के खाना है, और हर वक्त हमारा पार्सल आता रहता है, ये कोई कुछ मंगवाता रहता है, तो एक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। कई बार तो हमारा पैकअप हो जाता है तो हम लोग चलो चिल करते हैं सब बैठ के, यू नो वी हैव फूड डिनर सब साथ में, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी एक एटीट्यूड, एंड ऑल ऑफ अस कम बैगेज फ्री। मुझे लगता है कोविड के बाद ना सब लोग बहुत ज़्यादा मेलो हो गए हैं, लाइक कोविड के पहले अगर किसी एक्टर में वो एक एयर भी होता रहेगा, बट एवरीबडी हैज़ मेलो डाउन अ लॉट, क्योंकि सबको कदर है काम की, एंड बहुत सिंसियर है हमारे सेट पर सारे जो जितने भी मेरे को एक्टर्स है, एवरीबडी इज़ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद देयर वर्क, एंड दैट इज़ वाई वी आर डूइंग सो वेल। अनिरुद्ध और जनक की मैं बात करूँ तो उनकी रियल लाइफ जो जोड़ी है, मतलब जो शो में जोड़ी है और रियल लाइफ में भी यू नो जो एक बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच, काफ़ी पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, हमेशा अच्छी बातें ही लिखी जाती है। डू यू थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट द बिगेस्ट रीज़न टू लाइक द शो इज़ डूइंग गुड? सी आई टोटली बिलीव अगर आपके सेट में आपके को एक्टर्स के बीच में एक बहुत अच्छा माहौल है, एक बहुत गिव एंड टेक रिलेशनशिप है एक्टर्स के बीच में, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। मतलब हमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि हमें अच्छा करना है, अच्छी तरह से परफॉर्म, ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, बट एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, इट कम्स वेरी नेचुरली एंड वो रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन पर, बिकॉज नेगेटिविटी नाम की चीज़ कहीं है ही नहीं। इवन बिटवीन अनी एंड जनक अगर आप देखोगे ऑफ स्क्रीन भी दोनों बहुत चिल रहते हैं, दोनों अपने स्पेस में रहते हैं, अनी भी मस्ती मजाक, जनक भी बहुत प्यारी सी है, ऑल ऑफ अस हैव यू नो एक अपने आप, वो बोलते हैं ना पजल में जैसे सारी पीसेस फिक्स हो जाती है, वो एफर्ट डाल के किसी को फिक्स नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली जनक इज़ लाइक अ पजल, मतलब सेट जहाँ पे हम सब अपने तरीके से सब फिट हो चुके हैं। स्टार प्लस ने एक स्कीम चलाई है, मैं भी चाहता हूँ आपसे पूछूँ, नो रिलेशनशिप पॉलिसी। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आई गेस इफ इट इज़ वर्किंग फॉर द शो, एंड प्रीवियस किसी शो में बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया था, ये रिश्ता क्या क्या कहलाता है जी, बिल्कुल मुझे लगता है आप पर्सनल अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करना चाहते हो आप प्लीज़ कीजिए, बट वंस यू आर ऑन सेट यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, आप एक प्रोफेशनल एक्टर हो, यू आर बीइंग पेड फॉर योर वर्क, तो आप उसी को लेकर आप सीरियस रहिए। आप ऑफ सेट आप जो मर्जी आप कीजिए, नोबडी इज़ कमिंग टू योर डोर एंड यू नो पीपिंग इनसाइड योर बेडरूम सेंसिंग व्हाट यू आर डूइंग, बट आई गेस इवन इफ आई सपोज टू बी अ प्रोड्यूसर, कल को मेरी लाइफ में अगर मैं बन भी जाऊँ तो ये चीज़ तो मैं भी नहीं, एट कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप्स आई विल नॉट लेट इट अफेक्ट माई थिंग, तो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड, अपार्ट वेरी गुड आंसर। मुझे लगता है ये बहुत ही एक मैच्योर चीज़ है जो सबको ये फॉलो करनी चाहिए, मैं मेरे मज़े के लिए आपका क्यों नुकसान करूं, ऑब्वियसली बात है। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस अब OTT3 के साथ वापस आ रहा है, 21st को लॉन्च स्टार्टिंग प्रीमियर डेट, हाँ तो आप देखती हैं? मैंने सीजन 1 देखा था एंड लास्ट सीजन भी शायद देखा था, पलक पुरस्वानी जब थी शी इज़ अ फ्रेंड तब मैंने देखा था, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ फॉलो किया था, बट ऑफ कोर्स यस एंड बिग बॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड मतलब मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो आपको मौका मिलेगा तो आप जाएंगी? भाई बहुत मुश्किल है, मैं लड़ नहीं सकती हूँ। मतलब जितनी मर्जी चाहे बुलवा लो, जो करवाए करवा लो, मतलब आई कॉन्ट फाइट फॉर एनीथिंग, मतलब आई कॉन्ट छोटी चीज़ों के लिए, या फिर मैं एक राय का पहाड़ नहीं बना सकती हूँ, मैं तो मतलब मुझे लगता है 2 दिन भी टिक जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। इस बार सलमान भाई होस्ट नहीं कर रहे हैं, अनिल कपूर सर होस्ट कर रहे हैं, जो कि उनसे भी ज़्यादा सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में, क्या कहेंगे आप इस पर, ये चेंज जो है? अरे बहुत ही फैंटास्टिक, आई मीन सलमान खान जितने सालों से इतने सालों से होस्ट कर रहे हैं, ही इज़ बीन फैंटास्टिक एट हिज वर्क, एंड अनिल सर हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री लाइक फॉर एजेस, तो मतलब इनके लिए मैं
मैं कुछ नहीं हूँ बोलने के लिए, आई एम जस्ट लाइक नथिंग टू इवन कॉमेंट ऑन इट. आई थिंक ही विल एग्जैक्टली डू एज गुड एज हिम एंड मे बी इवन बेटर, बिकॉज एट द एंड ना बिग बॉस चीज़ ही ऐसी है कि कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. होस्ट को सामने दिख रहा है, उसी को उठा के आपको मुद्दा बना के पेश करना है. इट इज़ अ टफ जॉब, बट आई थिंक ये महारथीज है यार, हम क्या ही बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते. एक्साइटेड है देखने के लिए. हाँ ऑफकोर्स येस एक्साइटेड है. बिग बॉस OTT आ रहा है, हालांकि कितना टाइम मिलता है डोंट नो, बट ऑफकोर्स ऑन एंड ऑफ. तो आजकल सोशल मीडिया इज बिकम सो ईजी कि आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके. यस यस. अच्छा अगर मैं आपको पूछूं कि आपके ऑल टाइम फेवरेट कौन से कंटेस्टेंट हैं, कोई एक का जवाब आपको देना है अपार्ट फ्रॉम पलक पुरस्वानी, है ना? मैंने सिद्धार्थ वाली सीजन जो थी बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, उसे बहुत अच्छा था. एंड ऑफकोर्स तभी देबोलीना जब मेरी को एक्टर थी, आई वॉज फॉलोइंग दैट टाइम. एज सच देखो आप गेम में जाते हो, मैं आपको कितना भी पर्सनली अच्छे से जानती हूँ, पर उस जगह जाकर आप क्या करते हो वो तो नोबडी नोज, एंड वो सिचुएशन में कौन कैसे रिएक्ट करते वी रियली डोंट नो. तो एज सच आई डोंट हैव एनीबडी फेवरेट, बट एवरीबडी डज देयर जॉब वंस दे आर इनसाइड. अगर आप मुझे इतने अच्छे से आज जानते हो, कल को मैं गई एंड मैं भी वहाँ पे तमाशे करूँ तो यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज. मैंने तो कभी नहीं यार, ये तो बड़ी स्वीट सी थी, सेट पे बड़ी अच्छी थी, पर ये तो यहाँ पे. सो वी डोंट नो व्हाट यू डोंट नो अंटिल अनलेस यू आर इन देयर शू. डेवोलीना की आपने बात की, आपकी कोस्टार रह चुकी हैं, एक नया शो आ रहा है उनका छठी मैया की बिटियाँ, तो आपने देखे प्रोमोस? जी जी मैंने देखा, सन टीवी के लिए है एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. एवरीबडी इज डूइंग गुड जॉब एंड आप आगे बढ़ो यार लाइफ में. आप कब तक गोपी बहू एंड कब तक वही चीज़ों को फॉलो करते रहोगे, एंड लाइफ इज डन. मुझे आज भी लोग अगर प्रीवियस शो से कनेक्ट होकर लिखते हैं, कॉमेंट करते हैं, तो एक आध बार ठीक है, फिर पुरानी रील्स पे वॉच मी जनक गाइज, वॉच मी जनक. Yes, इस पे रील्स बनाओ, इस पे आप वीडियोस बनाओ, तो दैट्स मोर फन यू नो. एंड या नए आपके अगले काम के लिए, प्रेजेंट काम के लिए यू शुड बी मोर एक्साइटेड देन व्हाट्स डन एंड डस्टेड. अच्छा अगर आखिरी सवाल एक मैं पूछूं, आपकी लाइफ में आपका ड्रीम रोल क्या है, कि यार मुझे ना ये रोल अपनी लाइफ में अपने एक्टिंग करियर में निभाना ही है, कि चाहे वो कैसा भी रोल हो, कैसा भी रोल हो आपको निभाना है. आई थिंक आई वुड डू अमेजिंग एज एन पुलिस इंस्पेक्टर, जो तबू ने किया था दृश्यम में. आई थिंक आई हैव दैट पर्सनैलिटी, जो एक ऑरा चाहिए मुझे लगता है. हाँ हाँ एटीट्यूड, मतलब बिना कुछ बोले इंसान की आँखों में इतना खौफ है कि सामने वाला वैसे ही डर जाए, ऐसा कुछ आए तो मज़ा आए. बट हाँ ना कुछ चेंज है, हालांकि तनुजा इज ऑल्सो वेरी वेरी स्टर्न लेडी, वो बहुत ज़्यादा फालतू की बातें नहीं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऑरा से चलती है, तो मोर और लेस समथिंग विच इज़ गोइंग टू सूट माई पर्सनैलिटी. थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जनरली एक्ट्रेस इतना टाइम नहीं देते, इन्होंने मुझे आपको बता दूँ, इन्होंने इनका ब्रेक था, इनको मैंने पूछा मैम बाइट, शी सेड ओके चलो कर लेते हैं, बोला आप कुछ खाओगे. डिनर कर भी लिया है इस वजह से भी बोला आपको, मेरा डिनर जल्दी हो जाता है. बट या थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू, लवली टॉकिंग टू यू.